आज हम छेना का स्पंजी रसगुल्ला बनाने जाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे बॉईल करने के लिए बैठा दिया है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसका छेना फाड़ेंगे। देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका छेना फाड़ेंगे। हमारा दूध ठंडा हो चुका है। मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम चलिए इसका छेना फाड़ते हैं। अब ये 2 चम्मच कटोरी में 2 चम्मच सिरका निकाला है और उसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे डालेंगे और दूध को फटने तक इसी तरह चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सिरका को एक ही बार नहीं डालेंगे। छेना फट चुका है, देख लीजिए इस तरह से। और इसे छानेंगे, कपड़ा में अच्छी तरह से छान लेंगे। सारा पानी निकल जाए। इसे इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ये जो हमने सिरका डाला है वो अच्छी तरह से धुल जाए। और इसे बांध के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा इसका सारा पानी निकल जाए। देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे इसी तरह कहीं टांग के ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद हम इसका छेना तैयार करेंगे, मैश करेंगे इसे छेना को। हमने पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया था। अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। अब हम 2 कप चीनी इसमें डालेंगे और इसे चलाएंगे। इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए चीनी। छेना मैंने निकाल लिया है। पूरा पानी इसमें से हम नहीं निचोड़ेंगे तो इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मसलेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल चिकना करेंगे इसे हम। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच अरारोट पाउडर डाल देंगे। और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से। कितना अच्छा मुलायम सॉफ्ट बना है हमारा। हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। बिल्कुल चिकना लोइया बनाएंगे ताकि फटे ना। फटने से हमारा असर दबा दबा के अच्छी तरह से बनाएंगे। तो सारे लोइया तैयार कर लेंगे। ये हमारा चाशनी हो चुका है। अब हमने ये तैयार कर लिया है, लोइया तैयार कर लिया। अब इस खौलते हुए पानी में इसे धीरे धीरे डालेंगे। एक एक करके डालेंगे। देखिए मैंने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ये हमारा कितना सुंदर सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए इसी में छोड़ देंगे। फिर हम इसे निकालेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया है। हमारा कितना सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है। ये कितना सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी घर पर बनाइए और ट्राई कीजिए। कोई घर में मेहमान आए तो उसे फटाफट बनाकर सर्व कीजिए, खुद भी खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।